गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन जिस दिन हम अपने गुरुओं को उनके मार्गदर्शन उनके सानिध्य के लिए धन्यवाद कहते हैं और ये कहते हैं कि निरंतर पूरे जीवन भर वो हमारा ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहें ताकि हम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकें। जी हाँ, इसी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सेक्टर 110 में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी के जो वचन थे जो उनके संस्कार थे उन पर बातचीत हुई और भजन भी कार्यक्रम रखा गया। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य, लोगों की जवानी जो इस कार्यक्रम को जिन्होंने एक शानदार कार्यक्रम किया और जिसमें ये लोग शामिल हुए, आइए जानते हैं साफ उन्हीं से उनके मुख से आखिर गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पे किस प्रकार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नमस्कार, आज हमारे साथ है सुनील जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के बारे में वो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। जय गुरुदेव, नमस्कार। जैसा हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है गुरु पूर्ण होता है, और आज का जो चंद्रमा है वो भी पूर्ण है, तो ये एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल है सारे विश्व के सामने में कि गुरु भी पूर्ण होता है और गुरु का जो ज्ञान होता है वो पूर्ण ज्ञान होता है। तो आज के दिन चंद्रमा की पूर्णता को गुरु के ज्ञान से जोड़ा गया है और सारे विश्व में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। गुरु परंपरा को हम याद रखते हैं जो करोड़ों वर्षों से वेद से आया और ट्रेडिशनली आधा चला जा रहा है। एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को ज्ञान देता है और वो ज्ञान यहाँ तक आज पहुँच चुका है। सौभाग्य से मैं भी वेद के क्षेत्र का एक शिक्षक हूँ। महर्षि महेश योगी जी जो आधुनिक विश्व के वैज्ञानिक संत थे, उनके गुरुदेव भगवान शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उन्होंने महर्षि को ज्ञान दिया और उनको निर्देशन दिया कि विश्व में ध्यान का प्रचार प्रसार करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा विश्व तनाव से ग्रस्त है, सारी समस्याओं का कारण तनाव है। तनाव का जब तक निराकरण नहीं होता, स्ट्रेस रिलीज नहीं होते, तब तक हम गलत सोचते हैं और गलत करते हैं। तो मनुष्य को इन सारी गलतियों से मुक्त होने का एक मार्ग वेद ने बताया, ध्यान का मार्ग बताया। महर्षि जी ने वेद के ध्यान को एक नाम दिया जैसे भावातीत ध्यान कहा, उसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं और ग्लोबली उसे TM के नाम से जाना जाता है। महर्षि ने गुरुदेव के निर्देशन में इस संस्थान का की स्थापना की 1957 में, और 1957 के बाद लगातार महर्षि ने भावातीत ध्यान का प्रचार प्रसार सारे विश्व में करना शुरू किया। सबसे पहले वो अकेले शिक्षक थे, धीरे धीरे उन्होंने अपने ऐसे शिक्षकों को बनाया, सौभाग्य से हमारे ऐसे भी कुछ शिक्षकों को बनाया जो वेद के पूर्ण ज्ञान को महर्षि जी के द्वारा हम लोगों को दिया गया, और हम लोग विश्व के 192 देशों में भावातीत ध्यान और इसके एडवांस टेक्निक्स की जानकारी देते हैं, उसकी टीचिंग करते हैं। मैं भी अभी तक 70 देशों से ज़्यादा जा चुका हूँ। लाखों लोगों को ध्यान और इसके एडवांस टेक्निक की जानकारी दी है। सारे विश्व में लगभग 7 मिलियन लोग, 7 मिलियंस रेगुलर मेडिटेटर्स हैं जो भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं। इस भावातीत ध्यान को दिन में 2 बार करते हैं, सुबह और शाम, 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम। तो सुबह शाम के छोटे से कार्यक्रम से ध्यानी को ये एहसास होता है, महसूस होता है कि उसके बहुत सारे तनाव निकल गए, वो एनर्जेटिक फील करता है, वो आनंदित फील करता है, उसे वो खुशी मिलती है। तो ये वेद ने बताया कि सुबह शाम अगर हम ध्यान का अभ्यास करते हैं
तो दिन भर के जितने भी तनाव हम लेते हैं, क्योंकि कोई भी काम करते हैं, उस काम का जो रिजल्ट होता है वो स्ट्रेस के रूप में आता है। कुछ ना कुछ स्ट्रेस हमारी फिजियोलॉजी गेन करती चली जाती है। अल्टीमेटली शाम तक हमारी फिजियोलॉजी फिर टायर्ड हो जाती है, स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो वेद ने कहा कि शाम को एक बार फिर से ध्यान कर लो। तो जैसे ही वो ध्यानी 15-20 मिनट ध्यान का अभ्यास करता है, वो महसूस करता है कि हमारे अंदर के तनाव निकल गए, मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो चीज़ उसे जीवन में मिलता है, इस जीवन में इसका ही सबसे ज़्यादा महत्व है। क्योंकि तनाव ऐसी चीज़ है कि जब तक व्यक्ति तनावग्रस्त होगा, कोई भी काम सही तरीके से कर नहीं सकता। वो सोचेगा भी तो तनावग्रस्त होकर के सोचेगा, उसमें नेगेटिविटी होगी, पॉजिटिविटी का अभाव होगा। और जब हम मेडिटेशन क्या रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये नेगेटिविटी जो स्ट्रेस है वो रिलीज होने लगता है ऑटोमेटिकली। इसे कहते हैं सपोर्ट ऑफ नेचर, प्रकृति हमारा समर्थन करने लगती है और हमारे तनाव अपने आप निकलने लगते हैं। हमारा जीवन धीरे धीरे सफल होने लगता है, हम मेंटली फिजिकली फिट होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमारे माइंड और बॉडी के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ये एस्टेब्लिश कर देता है। और ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड और बॉडी का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि माइंड अगर कुछ और सोचता है, बॉडी डिफरेंटली एक्ट करता है, तो वो अचीवमेंट नहीं होगा जो हम अचीव कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि सुबह शाम के ध्यान के अभ्यास से हमारा मन और शरीर एक साथ मिल करके काम करना सीखने लगता है। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड और बॉडी ट्रेंड होने लगती है एक साथ। माइंड जो सोचता है वैसे ही वो फॉलो करने लगता है, हमारी डे टू डे एक्टिविटी में वो चीज़ें आने लगती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले से हमारे जो सक्सेस रेट है, सफलता है, वो बढ़ती चली जाती है। हमारे जीवन सफल होने लगता है। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो मजदूर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, स्टूडेंट हो, डजंट मैटर, कोई भी हो, ये शरीर है वो तो तनाव से ग्रस्त हो जाता है। और अगर तनावग्रस्त एक स्टूडेंट होगा तो वो अचीव नहीं कर सकता है जो उसे करना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट फ्यूचर ऑफ द नेशन है, फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है। उसका स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए महर्षि ने इंटायर वर्ल्ड में स्कूल प्रोग्राम को फोकस किया। मोर देन 25,000 स्कूल्स हैं इंटायर वर्ल्ड में जहाँ रेगुलर प्रैक्टिस टीएम की होती है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स, दे आर ऑल वेरी वेरी रेगुलर। रिजल्ट क्या है? अमेरिका कनाडा में स्कूलों का ग्रेडेशन होता है, इंडिया में अभी ग्रेडेशन नहीं शुरू हुआ है, वहाँ ग्रेडेशन होता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, रिजल्ट के आधार पे, स्टूडेंट्स के एक्टिविटी के आधार पे, उनके कैरेक्टर, उनके एटीट्यूड के आधार पे। जो सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड के स्कूल्स हैं जिनका ग्रेडेशन बहुत नीचे है, वहाँ अगर टीएम की प्रैक्टिस शुरू होती है विद इन 6 मंथ्स, अमेरिका और कनाडा में ये देखा गया कि वहाँ बच्चों के स्टैंडर्ड में, उनकी मेमोरी पावर में, उनके रिजल्ट में, उनके परफॉर्मेंस में ड्रेस्टिक चेंज आए। और वो जो डी और ई ग्रेड के स्कूल थे वो ए और बी ग्रेड के स्कूल। तो इसका ये फ़ायदा देखा गया कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे अगर बचपन से ही ध्यान का अभ्यास शुरू करेंगे तो सारा जीवन उनका सफल होगा। इसलिए महर्षि ने स्कूल प्रोग्राम पे फोकस किया। आर्मी, वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में आर्मी रेगुलर प्रैक्टिशनर है, वो टीएम का अभ्यास करती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, दे आर वेरी वेरी रेगुलर। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, वहाँ की आर्मी रेगुलर प्रैक्टिशनर है टीएम की। वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत पॉजिटिव हो गया है।
बहुत सारे देशों के पार्लियामेंटेरियंस दे आर ऑल्सो वेरी रेगुलर, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट में भी स्ट्रेस है, वो अपना स्ट्रेस लेकर के पार्लियामेंट में चले जाते हैं। वहाँ जो क्रिएटिव वर्क होना चाहिए देश के डेवलपमेंट के लिए वो हो नहीं पाता, शोर में सामने निकल जाता। जब से ये टीएम वहाँ इंट्रोड्यूस किए गए बहुत सारे देशों के पार्लियामेंट में, उन लोगों के एटीट्यूड्स में पॉजिटिव चेंजेस आए, वहाँ बहुत बड़ा लाभ हुआ। जेलों में ये प्रोग्राम इंटायर वर्ल्ड में चल रहा है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्राइम क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर हाईली स्ट्रेसफुल। जब वो स्ट्रेस होता है तो वो माइंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता और वो कुछ ना कुछ गलत कर जाता है। बाद में उसे अफसोस होता है क्योंकि वो रियलाइज करता है ये तो मैंने गलत किया, लेकिन जिस वक्त रियलाइज करना चाहिए वो कर नहीं पाता और वो क्राइम कमिट कर देता, पनिशमेंट वो जेल में डाला जाता। तो ये प्रोग्राम जेलों में भी कंडक्ट किए जा रहे हैं और वहाँ जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, उनका कैरेक्टर चेंज हुआ और जब जेलों से बाहर आए उनके समाज में उनका सम्मान बढ़ा और वो बहुत सफल हुए। इसलिए ये ध्यान का जो प्रभाव है ये इतना प्रभावशाली है, सारे विश्व ने इसे समझा है और देश के सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व के 192 देशों में भावाती ध्यान या टीएम का रेगुलर अभ्यास होता है। 7 मिलियन से ज़्यादा मेडिकल रेप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वेद का है, हमको वेद की ओर वापस लौटना पड़ता है। प्रकृति से जितनी हम दूर होते हैं समस्याओं से ग्रसित होते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रकृति के पास आते हैं समस्याएं दूर होती हैं। कहते हैं सपोर्ट ऑफ नेचर, प्रकृति हमारा समर्थन करने लगती है और इसका लाभ होता है हम गलतियां कम करते हैं, जीवन में सफलता ज़्यादा मिलने लगती है। तो ये ध्यान ऐसी चीज़ है जिसे वेद ने सारी मानवता के कल्याण के लिए दिया, सारी मानवता के लिए दिया, इसे किसी देश काल में जोड़ा नहीं गया, ये जाति और धर्म से जोड़ा नहीं गया। वेद हिंदुओं का धर्म नहीं है, वो तो ये प्रकृति का ज्ञान है जो सारी मानवता के लिए वेद ने दिया है। आज कोई कास्ट ट्रेड रिलीजन नहीं है, यही टीएम इंटायर वर्ल्ड में सिखाया जाता, क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं, मुस्लिम्स भी कर रहे हैं, ज्यूज भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होता कम्स फ्रॉम इंडिया, इट्स ए वैदिक नॉलेज, नो, बिकॉज दे नोज वेरी वेल अबाउट द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम, दैट्स व्हाई दे आर वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड एंड दिस इज द रीजन दे आर वेरी रेगुलर। तो इंटायर वर्ल्ड में ये प्रोग्राम चल रहा है, दिल्ली में भी हमारे काफ़ी सेंटर्स हैं, 9-10 सेंटर्स हैं, यहाँ रेगुलर टीचिंग होती रहती है। एक सिस्टम महर्षि ने बनाया जो वेद ने बताया, तो वो सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और तभी इसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस का बेनिफिट हमें हमेशा मिलता है, जो भी रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं वो खुश हैं, जीवन में ज़्यादा सफल हैं। तो इसलिए खुशी और सफलता से बढ़कर के जीवन में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आपको मिल जाए लेकिन अगर आप तनावग्रस्त हैं तो आपको क्या मिला? अगर तनाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, सेटिस्फैक्शन है। आप आज जॉब में बहुत पैसे मिल रहे हैं लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। मेडिटेशन की जब रेगुलर प्रैक्टिस होती है तो वो प्रैक्टिशनर्स सेटिस्फाइड होने लगते हैं अपने जॉब के प्रति, वो अब जॉब ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहते, वो वही काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि ये जो भागना है वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है अपना 100% देना, डेफिनेटली इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये मेडिटेशन 1957 से लगातार चल रहा है, इंटायर वर्ल्ड में ये प्रोग्राम चल रहा है, सारे विश्व ने इसे। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए। आज जो गुरु पूर्णिमा है इसको वैदिक परंपरा के अनुसार
व्यासी पूर्णिमा कहा जाता है। आज ही के दिन महर्षि व्यासपाद जी का आविर्भाव हुआ था और इसे व्यासी पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। महर्षि व्यास जी का नाम था वेद व्यास। उन्होंने वेद का विस्तार किया और आज ही के दिन उनका जो है आविर्भाव हुआ है। और आविर्भाव हुआ और वो जैसे ही उनका आविर्भाव हुआ, जन्म लिए, वैसे ही बड़े होते चले गए और उसके पश्चात बड़े होते होते वो जो है माता पिता से बन जाने की भी आज्ञा नहीं लगे। और इसी दिन से जो है 18 वेद का, 18 पुराण का, श्रीमद् भगवद गीता का रचना हुई महर्षि व्यासपीठ जी के द्वारा। और जो हमारी गुरु परंपरा है नारायणम पद्मभूम वशिष्ठम, भगवान विष्णु जी से लेकर के और व्यास जी से लेकर शंकराचार्य जी तक एक परंपरा चली आई है। और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का स्थान महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना सृष्टि का कोई कार्य संभव नहीं है। इसी संदर्भ में वैदिक परंपरा में कहा गया है कि न गुरोरधिकम ज्ञानम, न गुरोरधिकम तत्त्वम, न गुरोरधिकम तपः, तस्मै श्री गुरुवै नमः। न गुरोरधिकम ज्ञानम, तो न गुरोरधिकम तत्त्वम, न गुरोरधिकम तपः, न गुरोरधिकम ज्ञानम, तस्मै श्री गुरुवै नमः। गुरु से बढ़ के कोई तत्व नहीं है और गुरु से बढ़ के कोई तप नहीं है और गुरु से बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है। और महर्षि वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने गुरु का स्थान जो है गुरु की श्रृंखला में पहले माँ को लिया। माँ का स्थान गुरु से भी 1000 गुना बढ़ के है, पिता का स्थान 10 गुना है। तो माँ से ही गुरु का आविर्भाव, गुरु का भाव चालू हो जाता है। और गुरु का स्थान उसी प्रकार से है जिस प्रकार से नक्षत्रों में पुख्य का स्थान, पुख्य नक्षत्र का स्थान है, उसी प्रकार से मानव जीवन में, सृष्टि जगत में गुरु का स्थान है। और महर्षि व्यास जी के आविर्भाव से और पूरे भारतवर्ष के सभी धार्मिक संस्थान प्रतिष्ठान गुरु पूर्णिमा का आयोजन सब जगह होता है, सर्वत्र जगह गुरु का होता है। और मुख्य रूप से जब हम माँ को प्रणाम करते हैं प्रातःकालीन वेला में, तभी जो है गुरु का भाव जागृत हो जाता है, हम गुरु को सम्मान देने लगते हैं। पूज्य महर्षि जी ने भी गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला, गुरु पूर्णिमा पर प्रकाश डाला। गुरु दत्तया मुक्तया च, गुरु क्या है, मुक्ति देते हैं, सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। और भगवान, बिना गुरु के कोई कार्य संभव नहीं हुआ है। और गुरु को भगवान रामकृष्ण और रामकृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी और संदीपन गुरु के पास गए। भगवान श्री कृष्ण संदीपन गुरु के पास गए और भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के पास गए, चारों भाई गए। तो गुरुकुल परंपरा अनादिकाल से ऋषि महर्षियों के दैवी निर्देशन में धरोहर रही है, संचालित होती चली आ रही है। इस प्रकार से पूज्य महर्षि जी ने प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा का आयोजन अपने आजीवन भर किया और भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में ही उन्होंने गुरु पूर्णिमा का आयोजन धूमधाम से हमेशा प्रतिवर्ष करते रहते थे। और आज जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु हमारे जो गुरुदेव जी हैं महर्षि जी के, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, अनंत श्री विभूषित स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, भगवान आदि शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे त्रोटकाचार्य जी, महाराज त्रोटकाचार्य जी, उनके बाद स्वामी रामकृष्ण तीर्थ हुए, रामकृष्ण तीर्थ के बाद हमारे गुरुदेव जी आसनारूढ़ हुए, उस शंकराचार्य मठ को जीर्णोद्धार करने के पश्चात शंकराचार्य के रूप में उत्तर दिशा में मतलब प्रतिष्ठित हुए। और भगवान महर्षि जी कश्मीर में प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि गुरु का गहराई से महत्व बताया कि शिवो रुष्टे गुरु त्राता। धन्यवाद सर इतनी जानकारी देने के लिए। देखिए ऐसा है, जो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है ना,
गुरु में दो शब्द हैं, गु और रू। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है दूर करने वाला। तो वो व्यक्ति जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और हमारे जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करे, वो हमारे जीवन में गुरु का स्थान पाता है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और ना ही अज्ञान का नाश होता है। तो हम लोग महर्षि जी की संस्था में पिछले कई वर्षों से संबद्ध हैं। महर्षि जी ने हिमालय में तपस्या करके करीब 50 साल तपस्या करने के बाद वापस भारत में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने भावती ध्यान पद्धति का विकास किया, और भावती ध्यान पद्धति के विकास करने से समस्त मानव जाति का कल्याण इस प्रकार होता है कि हम लोग सुबह शाम नित्य प्रति 15-20 मिनट करीब ध्यान का अभ्यास करते हैं। उससे हमारी चेतना का विकास होता है, हमारी कार्य करने की क्षमता का विकास होता है, और हम जीवन में अपने जो भौतिक क्षेत्र है उसको तो प्राप्त करते ही करते हैं, उसके साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो हमारा जीवन 200% सफल होता है, 100% आध्यात्मिक, 100% भौतिक। महर्षि जी ने पूरे विश्व में ये भावती ध्यान शिक्षकों की श्रृंखला बनाई है, और पूरे विश्व में भावती ध्यान केंद्र हैं। सभी जगह एक ही सिस्टम से, एक ही पद्धति से भावती ध्यान सिखाया जाता है, और महर्षि जी का उद्देश्य था कि समस्त मानव जाति को दुख विहीन समाज का निर्माण करें। इसी क्रम में महर्षि जी ने भावती ध्यान का, आयुर्वेद का, संगीत विद्या का और वेद के 40 क्षेत्रों का विकास किया है। तो उससे आज समस्त मानव जाति का लाभ हो रहा है, और हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें, साथ में 15-20 मिनट रोज़ सुबह शाम समय निकाल करके ध्यान का अभ्यास जरूर करें। उससे उनका स्वयं का विकास होगा और समाज का विकास होगा, और साथ में राष्ट्र का विकास होगा, और जो हम एक विश्व शांति की बात करते हैं वो विश्व शांति का प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा का महत्व है, गुरु को हम लोग याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं आज के दिन। वैसे तो रोज ही करते हैं, लेकिन एक स्पेशल डे निकाला गया है अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कि गुरु, उस दिन गुरु की विशेष आराधना की जाती है, क्योंकि गुरु का जो स्थान है वो गोविंद से भी बड़ा माना, गोविंद मतलब भगवान से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि गुरु से हमको जो जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति भी संभव होती है। इसलिए गुरु को का महत्व तो जो है भगवान से भी ज़्यादा दिया गया है, और आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन स्पेशली, क्योंकि ये वेद व्यास जी जो हमारे गुरु हैं उनसे कनेक्टेड दिन होता है, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु की पूजा की जाती है, गुरु की आराधना की जाती है, गुरु को याद किया जाता है, ये उसका महत्व है। सर, इस कार्यक्रम का क्या महत्व है? कार्यक्रम का महत्व वही है, सुबह हम लोगों ने पूजा करी, गुरुदेव की पूजा की, गुरुदेव हमारे महर्षि महेश योगी जी गुरु के गुरुदेव हैं, ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, वो महर्षि जी के गुरु हैं, हम लोग उनको अपना गुरु मानते हैं और महर्षि जी को भी अपना सेकंड गुरु मानते हैं समझ लो। तो उनकी आज पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है, और उनके गुरु के बारे में भजन वगैरह हो रहे हैं। सर, इस भव्य कार्यक्रम का उद्देश्य? उद्देश्य वही है, गुरु को याद करना, गुरु की पूजा करना, गुरु की आराधना करना, और लोगों में भावना जागृत करना कि गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको अपने में उजागर करना, क्योंकि साल भर में धीरे धीरे करके ज्ञान जो दबता जाता है, भूल जाता है आदमी, तो उसको उजागर करना। महर्षि जी ने ज्ञान दिया था भावती ध्यान का, महर्षि जी क्या, महर्षि जी के गुरु ने ज्ञान दिया था भावती ध्यान का, के अभ्यास का। तो उस भावती ध्यान के ज्ञान को हम लोग दोबारा अपने में समारोहित करते हैं, उसको याद करते हैं। धन्यवाद सर। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जय गुरुदेव। मैम, इस पूरे कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है आप मुझे बताएंगे? ये गुरु को समर्पण है, पूरा गुरु जी को याद करना, ये इसका उद्देश्य है। आपने देखा होगा कि आज के समय जो बच्चे हैं या फिर बड़े बड़े युवा हैं वो अपने गलत रास्ते में भटक रहे, तो आपको क्या, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि दोनों से जुड़ा रहना चाहिए, अध्यात्म से भी जुड़ना बहुत आवश्यक है। आदि भौतिक में तो लगे रहते हैं सब, पर अध्यात्म से भी जुड़े रहेंगे तो उनके लिए, सबके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए बहुत अच्छा रहेगा।